हाँ जय हिंद। आज की वीडियो में आपका बात करने जा रहा हूँ फिजिकल का। असम राइफल में आप रनिंग कैसे करके रनिंग को आप थोड़ा सा एक चांस और बढ़ा सकता हूँ कि आपका रनिंग कैसे निकल सके, ठीक है, इसके बारे में बात होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि बस बैठा हूँ सोया हूँ उन 24 मिनट में निकालना है आराम से दौड़ निकल जाएगी, तो ऐसे नहीं होता है, ऐसे दौड़ नहीं निकलती है। जो लोग रिजेक्ट होते हैं रनिंग में उनसे थोड़ा पूछ के देखिए कितना मेहनत लगता है। वहाँ पर जब चढ़ाई आती है, ढलान आता है, ऊँच नीच आता है, तो इतना ज़्यादा मेहनत लगता है कि कैंडिडेट वहाँ पर दूसरे को देख कर के ज़्यादातर रुक जाते हैं। कि जब आपको स्टीप पे चढ़ना है, बगल का कैंडिडेट धीरे 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 चल रहा है, धीरे धीरे दौड़ रहा है, वो रुक गया, बगल वाला भी देख के रुक जाता है, वहीं पे ज़्यादा कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे नंबर वन पॉइंट आपको समझ में आया कि दूसरे को देख के डिमोरलाइज नहीं होना है। मैं इसीलिए फिजिकल पे एक रनिंग पे अलग वीडियो बना रहा हूँ कि दूसरे का देख के आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद जब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं तो आपको रनिंग को कितने मिनट में, 24 मिनट में क्वालिफाई करना है। अगर आपका मान लीजिए घर पर रनिंग कितने टाइम में आ रहा है, 30 मिनट में आ रहा है, और आज आपका कितना है, 22 अगस्त है, शाम का टाइम है, आपको वीडियो अब मिल जाएगी 22 अगस्त को, अब शाम को आपको मैं दे दूंगा। तो क्या होता है कि आपका टाइमिंग बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो टाइमिंग जब आपका ज़्यादा रहा, मान लीजिए 26, 27, 28 मिनट तक आ रहा है, तो आप एक काम करिए कि आप दोनों टाइम रनिंग करना शुरू कर दीजिए, सुबह में भी शाम में भी, और साथ में भी पढ़िए आप। क्योंकि क्यों पढ़ना है आपको, क्योंकि पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपका कट ऑफ बहुत हाई जाता है इसमें। निगेटिव मार्किंग रहेगा नहीं, कट ऑफ आगे तक जाएगा, आप थोड़ा आगे तक ले करके चलिए। यह मत सोचिए कि मुझे सिर्फ रनिंग ही निकालना है, रनिंग के बाद का भी आपको प्रोसेस क्लियर करना है, तो उसके लिए भी आप भी प्रिपेयर रहिए। क्योंकि 100 मार्क्स में से 90 मार्क्स लाना कोई आसान बात नहीं है, तो उसके लिए मैं अभी से बोल रहा हूँ कि पढ़िए पढ़िए पढ़िए। मेरिट आउट जो लोग हुए हैं उनसे जाके पूछिए, मैं जानता हूँ ना, जो लोग मेरिट आउट हुए हैं टाइपिंग क्लर्क में क्या किए, क्लर्क हो चाहे ब्रिज एंड रोड हो, कोई भी ट्रेड हो, मेरिट जब आउट हुए हैं कितने नंबर से, 2 नंबर से 3 नंबर से कट ऑफ इतना ज़्यादा जाता है, तो उन लोगों का क्या होगा। चलिए मैं यहाँ पे आपका फिजिकल के बारे में बात करना है तो फिजिकल के बारे में बात करता हूँ। यह आपका हो गया पॉइंट कि आप दोनों टाइम रनिंग करें। क्योंकि देखिए बारिश का समय है, अभी मैं वीडियो को आपको रिकॉर्ड कर रहा था, बारिश आ गई, मुझे बंद करना पड़ा, नीचे जाना पड़ा, फिर से आया, फिर से वीडियो को बना रहा हूँ। तो आपका क्या होगा कि आप दौड़ने निकले, बारिश आ गई, जब बारिश आ गई तो आपका क्या होगा, आपको दौड़ को आपका हिंड्रेंस हो जाएगा, रोकना आगे पीछे करना पड़ जाएगा, गैप हो जाएगा, तो गैप मत कीजिए और रनिंग को कीजिए। और उसमें आपको क्या होगा कि घुटने में अगर आपको दर्द होना शुरू हो गया होगा, जैसे घुटना आपका आवाज़ कर रहा होगा कि दर्द हो रहा होगा, तो आपको पता है कि विटामिन डी क्या आपको लेना पड़ेगा, दूध पीजिए। और अगर दूध पी रहे हैं उसके बाद आपका जैसे कि 5-5 किलोमीटर कोई मजाक चीज़ नहीं है, ठीक है, मेहनत लगता है। एयरफोर्स वाले आपका कल क्या था, 21 तारीख को एयरफोर्स वाले गए, कहाँ पर गए थे आपके, उन लोगों का फेस सेकेंड का था, छट छट के आ रहे हैं, तो उनसे पूछिए क्या दर्द होता है, कितना मेहनत लगती है दौड़ने में। तो आप देखिए कैल्सिरॉल का एक पुड़िया होता है, यह जो कैल्सिरॉल का ये जो पुड़िया है ये आपका 50 इस पर 56 रुपये लिखा, 56.40 आपको यह ऊपर नीचे थोड़ा भी 50 के अराउंड आपको मिल जाएगा, ठीक है, नियर अबाउट आपको 50 के। यह कैल्सिरॉल का एक सैचेट होता है, इसको क्या कीजिए, दूध में गुनगुना ल्यूक वार्म दूध में डाल के पीजिए, हफ्ते में एक पुड़िया पीजिए, जब तक आपकी दौड़ है तब तक पीजिए, निकल जाएगा आपके ये घुटने का प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व तो हो ही जाएगा। और अगर आपका कुछ दिक्कत और होता है तो आपको बताया था कि वहाँ जाते समय ये दौड़ने से एक दिन पहले रिवाइटल हेल्थ की टैबलेट आता है, उसे ले लीजिएगा, उससे आपको एनर्जी मिलेगा। अब रनिंग के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी कमेंट होगा रनिंग के रिगार्डिंग, पहले सबसे पहले आपका रनिंग हुआ होगा, और वीडियो को आप प्लीज़ एंड तक यार देखा करो, कमेंट कर देते हो, थोड़ा सोचो तो कि मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करता हूं, इसका मतलब नहीं कि यार कुछ भी पूछ लो, कम से कम आप वीडियो को तो पूरा देखा करिए। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।